नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो है सैटरडे का और सारा काम हो गया था और खाना वगैरह खाकर हो गई थी मैं फ्री। और उसके बाद जो मैंने कपड़े डाले थे वह भी धुल गए थे और कपड़े धुलने के बाद मैं उनको फैला दूंगी। तो फ्रेंड्स, कपड़े मैं यहाँ पर फैला रही थी और आज पार्थ भी घर पर था क्योंकि आज सेकेंड सैटरडे था और उसकी छुट्टी थी और फ्राइडे को थी उसकी ट्रिप। तो उसकी ट्रिप भी बहुत अच्छी गई और मैं कपड़े फैला रही थी और पार्थ मेरे साथ बातें कर रहा था। और अभी तो ठंड पड़ रही है तो इसकी वजह से कपड़े भी बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, इनर वगैरह, स्वेटर वगैरह, जैकेट, सारा कुछ, बहुत ढेर सारे कपड़े निकलते हैं और कपड़े मैं यहाँ पर फैला दूंगी। और पार्थ भी मुझसे बातें कर रहा था कि माँ की टेक्निक से कपड़े डालेंगे तो बहुत जल्दी कपड़े सूख जाएंगे और वह हंस रहा था और मैं भी उससे बातें करते जा रही थी और मैं कपड़े फैला रही थी और पार्थ पीछे से क्लिप लगाता जा रहा था और कपड़े भी मेरे फैलने ही वाले थे। और मैंने आंवले को काट के रखा था और आंवले के साथ मिर्ची और अड़िया को भी रखा था। तो हमारे यहाँ अड़िया बोलते हैं, ये किसी पौधे की जड़ होती है। और कपड़े डालने के बाद मैं बना लूंगी अचार क्योंकि आज थोड़ी हल्की हल्की धूप थी और मैंने आंवले रात में काटे थे तो मैंने सुबह से उसको डाल दिया था धूप में और जैसी हल्की धूप लग गई उसमें तो उसके बाद मैं उसका अचार डाल दूंगी। मैंने राई को ले लिया था, राई को मैंने भून लिया था और राई के साथ की भूनने के बाद मैंने मेथी को भी भून लूंगी। मेथी भी भुन गई थी मेरी और इसके बाद में जीरे को भी भून लूंगी। और फ्रेंड्स, मैं ना मिर्ची, अड़िया और आंवले तीनों के लिए ही मसाला बना रही हूँ और मसाला मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ रेडीमेड मसाला रखा है वह भी मैं डालूंगी और कुछ घर के मसाले डालूंगी तो उससे फ्लेवर अच्छा आता है। और राई, मेथी, सौंफ और जीरे भूनने के बाद मैंने अजवाइन को भी भून लिया था क्योंकि अजवाइन में डालूंगी मिर्ची और अड़िया के अचार में। और मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि अड़िया किस पेड़ की जड़ होती है। और सारे मसाले भुन गए थे और मैंने उनको पीस लिया था और मसालों को मैंने थोड़ा मोटा मोटा पीसा था, बहुत बारीक नहीं पीसा था। आंवले में मैंने डाल दिया था हल्दी और नमक और मैं हमेशा अंदाज से ही नमक डालती हूँ, नाप कर कभी नहीं डालती। नमक डालने के बाद जो मैंने मसाले बनाए थे घर में, तो राई का राई और ये काली वाली राई थी, आपके पास हो तो पीली वाली सरसों भी डाल सकते हैं, और जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, मेथी पाउडर और अजवाइन। अजवाइन को मैं नहीं डालूंगी अभी, अजवाइन में मिर्च के अचार में डालूंगी। सारे मसालों को मिला लेंगे और उसके बाद जो मैंने रेडीमेड मसाला था तो उसको भी निकाल लिया था और रेडीमेड मसाले को भी मिक्स कर दूंगी और तेल को गर्म करके रख लिया था और तेल को भी ऐड कर देंगे, सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। और तेल में बहुत ज्यादा नहीं डालूंगी और अभी हल्दी का बहुत अच्छा कलर नहीं आया, सुबह तक उसमें कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। आंवले का अचार बनकर हो गया था तैयार, अब थी अड़िया और मिर्ची की बारी। तो बस उसमें भी मैंने हल्दी डाल दी थी और नमक को भी डाल दूंगी, तो इसमें भी मैं अंदाज से ही नमक डालूंगी। और जो सारे मसाले बनाए थे, सौंफ, जीरा, राई और मेथी का, तो सारे मसाले डाल देंगे क्योंकि मिर्च वाला अचार हमारा थोड़ा सा ही है। और अजवाइन को भी डाल दूंगी और इसमें भी मैंने थोड़ा सा रेडीमेड मसाला डाला है, रेडीमेड मसाला मेरा रखा था इसलिए मैंने ऐड किया है। और तेल को भी थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे क्योंकि जो मिर्च का अचार होता है उसमें बहुत ज्यादा तेल अच्छा नहीं लगता, तो बस हम इतना ही तेल डालेंगे जिससे मसाला अच्छे से कोट हो जाए। और अड़िया का भी, अड़िया और मिर्ची का भी हमारा अचार हो गया है तैयार। और थोड़ा सा मुझे तेल कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा और ऐड कर दिया है और मिर्च हमारी अच्छे से कोट हो गई है। और जो आंवले का अचार बनाया था उसको मैं एक जार में भर दूंगी और एक दो दिन में यह खाने के लिए तैयार हो जाएगा। और मिर्च का जो अचार था उसको मैंने, मिर्च के अचार को मैंने कंटेनर में नहीं रखा था क्योंकि कंटेनर अभी गीला था। उसके बाद
हस्बैंड भी आ गए और चाय, मैंने चाय भी बना ली थी और हम सभी लोगों ने चाय पी, और चाय पीने के बाद थोड़ी देर बैठे बैठकर बातें हुई, और उसके बाद मैं डिनर की भी तैयारी करने लगी थी और बातें भी होती जा रही थी और डिनर की तैयारी होती जा रही थी। और डिनर में मैंने बनाई थी आलू मेथी की सब्जी, क्योंकि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है आलू मेथी की सब्जी, तो आलू मेथी की सब्जी मेरी बन रही है और इसके साथ मैं बनाऊंगी रोटियां। आटा भी मेरा तैयार हो चुका था और रोटियां भी मेरी मैं बनाती जा रही थी, और पाठ पढ़ रहा था और हस्बैंड भी बैठे थे और मैं मेरे किचन में अपना काम कर रही थी। और रोटियां जैसे ही बन गई तो मैंने हस्बैंड के लिए खाना भी लगा दिया और पार्थ को भी खाना दे दिया, और मैं रोटियां बनाती जा रही थी, पार्थ और हस्बैंड दोनों लोग खाना खाते जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे डिनर में था आलू मेथी की सब्जी, रोटी और चटनी और सैलेड, बस इतना ही आज का हमारा डिनर था। और उसके बाद मैंने किचन की क्लीनिंग करी, किचन की क्लीनिंग करने के बाद मैंने बर्तन को क्लीन किया और उसके बाद मैंने सिंक भी क्लीन किया। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो भी आपको आप तक पहुंच जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।